मॉर्निंग ट्रेंड आज हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? दो घात वाले बहुपद हम लोग कह सकते हैं द्विघात बहुपद, या जिसका घात दो होता है उसे हम क्या कह सकते हैं? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मान्य रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। सिंपल, कोई भी समीकरण, कोई भी बहुपद इस रूप में होता हम उसे कह सकते हैं द्विघात बहुपद। अभी हमें इस लेसन के अंदर यह पढ़ना है कि द्विघात बहुपद को शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं और शून्यांक की सत्यता कैसे करते हैं, यह भी इस लेसन के अंदर यही पढ़ना है। हम एक सिंपल में एक क्वेश्चन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन इक्वल जीरो, यह हमारा एक समीकरण हो गया। इस समीकरण को हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट भी बोल सकते हैं। हम फर्स्ट से लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट में हमारे फर्स्ट का डिजिट क्या है? कुछ नहीं, वन, और लास्ट में टेन है। टेन में वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा टेन। टेन हम टेन को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर कितना आ जाए? सेवन आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर टेन आए। हम इसको तोड़ते हैं, अगर हम दस को तोड़ते हैं यहाँ पे तो टू फाइव जो टेन होता है, फाइव टू टेन होता है, फाइव टू सेवन हो जाएगा, फाइव टू जब टेन हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू एक्स प्लस टेन इक्वल जीरो। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ हम यहाँ से दो दो का जोड़ा बैठाते हैं, दो दो का जोड़ा बैठाएंगे, जोड़ा में भी देखेंगे कि कौन चीज़ कॉमन करना है, यहाँ पर क्या कॉमन कर सकते हैं, दोनों में क्या सेम है। हमें देखते हैं पहले डिजिट में x दोनों में, x दोनों में, और यहाँ पर डबल x है और यहाँ पर एक ही x है, हम एक x को कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर एक x को कॉमन के लिए एक x बचा है, और यहाँ पर फाइव x के साथ में x है तो उसमें हम x कॉमन करते हैं, सिर्फ प्लस फाइव बचेगा, ओके, और बराबर प्लस। अगर अब यहाँ दूसरे डिजिट में देखते हैं कि टू एक्स प्लस टेन है, टू एक्स प्लस टेन में हम ऐसे डिजिट को कॉमन करेंगे इससे हमें फिर कितना मिले? x प्लस फाइव ही मिले। हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 को कॉमन करने से 2 को कॉमन कर देते हैं x प्लस फाइव, क्योंकि 2 5 से 10 होता है। अब हम इसको देखेंगे हमारा सही है गलत है। यहाँ तक हमारा देखने का सबसे आसान ट्रिक होगा कि दोनों बॉक्स हमारा क्या जो कॉमन के वो सेम आना चाहिए, सेम आ गया। अब हम इसको लिखेंगे जो बाहर है उसको एक साथ लिखते हैं, 2 यहाँ पर हो गया और x प्लस फाइव यहाँ हो गया, ओके, और बराबर जीरो। जीरो के साथ हम अब देखते हैं इसका शून्यांक आप लोग को बोला गया निकालने को। शून्यांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे x प्लस टू इक्वल जीरो और x प्लस फाइव इक्वल जीरो। हम यहाँ पर देखते हैं कि इक्वल के पहले टू है, अचर पद है, अचर पद को हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम चर को एक साइड कर लेंगे और अचर को एक साइड करेंगे। तो देखेंगे कि एल एच एस में प्लस में टू है और आर एच एस में जैसे ही ये प्लस चेंज हो जाता है, जैसे ही आर एच एस में एंट्री करेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस टू हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स प्लस फाइव है तो जैसे ही आर एच एस में फाइव जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस फाइव हुआ। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, यहाँ तो सिर्फ शून्यांक था। अब हम एक नोट में हम करके देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है गलत है। हम यहाँ पे एक नोट बनाते हैं, नोट लिख लेते हैं नोट हम लोग लिख लिए। नोट लिखने के बाद हम लोग जस्ट क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपने इसी क्वेश्चन को लिख लेते हैं ए बराबर मान लिए माइनस टू और बी बराबर मान लेते हैं माइनस फाइव। समीकरण लगाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह हमारा हमें अपने समीकरण को इक्वल देखने का, हमने शून्यांक को देखना है कि हम सही बनाए या गलत, ये ट्रिकली हो गया। हम यहाँ पर एक्स लिख लिए और माइनस अल्फा और बीटा, यहाँ लिखते हैं माइनस टू प्लस माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस माइनस टू इंटू माइनस फाइव। यहाँ पर इसको एड करते हैं तो ये हो जाएगा टू 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 और टू सेवन हो जाएगा, बट माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस सेवन हो गया और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, टू फाइव जो टेन हो गया। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन अभी तक ना अच्छे रास्ते पर जा रहा है, सही बन रहा है।
हम यहाँ से दूसरे अपना क्वेश्चन को प्रूव करते हैं, सत्यापित करते हैं। सत्यापित करने का ट्रिक होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। हम इसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इस यहाँ मान लेते हैं इसको माइनस टू को और बीटा माइनस फाइव को मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस टू प्लस फाइव बराबर माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए का तो ये हमारा बी यहाँ पर कितना है सेवन, माइनस सेवन बटा कुछ वन। और अल्फा यहाँ बस सिंपल भाषा पहले हम यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस सेवन और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा टेन। हम प्रूव करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस टू और माइनस फाइव, तो माइनस फाइव और टू कितना हो जाएगा माइनस सेवन हो जाएगा और बराबर इधर भी माइनस सेवन है, हमारा एक साइड का प्रूफ हुआ। दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है माइनस सी बट सी बटा ए। हम यहाँ लिखेंगे माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस फाइव बराबर सी, हमारा कितना है बराबर टेन। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टेन इक्वल टेन, हमारा ये क्या होगा प्रूफ, हमारा ये समीकरण क्या हो गया प्रूफ हो गया।